झारखंड की राजधानी से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर NH-33 पे स्थित है भगवान बिरसा जैविक उद्यान, जहां प्राकृतिक रूप से मनभावन वातावरण में वन्य जीवों को देख आप एक अलग ही दुनिया में खो जाएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज फिजा खान। आज है हम रांची के बिरसा बायोलॉजिकल पार्क में। कम लेट्स हैव अ स्पेशल वर्चुअल टूर विद मी। थैंक्स फिजा। अब यहां से मैं मणिकांत आपको आगे लेकर चलता हूं बिरसा जैविक उद्यान के वर्चुअल टूर पे। तो तैयार है ना आप? टाइगर, अपनी प्रजाति में सबसे वजनदार और ताकतवर टाइगर, सफेद पीली धारियों वाले अपनी खूबसूरती के लिए भी जाने जाते हैं। सूंघने, सुनने और देखने की अद्भुत क्षमता वाला ये पशु जन्मजात तैराक होते हैं। ये रात को 20 किलोमीटर तक चल सकते हैं और इनकी लंबाई 2.92 मीटर तक हो सकती है। इसे वन, दलदली क्षेत्र तथा घास के मैदानों के पास रहना पसंद है। समुचित देखभाल और बेहतर संरक्षण का नतीजा है कि अभी हाल ही में यहाँ की एक बाघिन अनुष्का ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं। चलिए इनकी फैमिली से भी मिल लेते हैं। सरस्वती और लक्ष्मी, ये अनुष्का की ही बेटियां हैं। ठीक इनके बगल में है बिरसा जैविक उद्यान का खास अट्रैक्शन, 4 साल का व्हाइट टाइगर जावा। ये जेनेटिक म्यूटेंट होते हैं। गौर से देखिए इनकी एक्टिविटी, बॉडी की सफाई चल रही है। ये जन्म से ही बड़े होते हैं और तेजी से ग्रो करते हैं। अब हम मिलते हैं बिल्ली प्रजाति के सबसे फुर्तीले जीव लेपर्ड से। ओह, ये तो नकली है। अरे असली वाला तो इधर है। चमक तो देखिए इनकी। तेंदुए 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। ये पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं, इसलिए ये ज्यादातर समय पेड़ पर ही रहते हैं। इनकी नेचुरल हैबिटेट के अनुसार ही यहाँ इनके रहने की व्यवस्था की गई है। ये भागने में एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए इन्हें एनक्लोजर में रखा जाता है। ब्लैक पैंथर, आइए अब मैं मिलवाता हूँ आपको एक और जेनेटिक म्यूटेंट एनिमल ब्लैक पैंथर से, जिसे घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये ज्यादातर मैमल्स का शिकार करना पसंद करते हैं। ओह वाओ, ये तो यही है। इनका ये शर्मीला अंदाज। जनरली ये एकांत में रहना पसंद करते हैं, जल्दी नजर नहीं आते। चलिए हमें तो ये दिख गया। अब हमारा अगला स्टॉपेज है एशियाटिक लायन। जरा संभल कर, इनका नाम है जया और वीरू। ये सिर्फ गुजरात के गिर के जंगल में ही पाए जाते हैं। ये एशियाटिक ओरिजिन के हैं। शेर झुंड का ख्याल रखते हैं और शेरनी शिकार करती है। इनका जीवन काल 10 से 14 साल का होता है। ओह, कितने एग्रेसिव हो रहे हैं। ठीक इनके बगल में है हाइब्रिड लायन शशांक और प्रियंका। उफ, कितने गॉर्जियस कपल हैं, जस्ट मेड फॉर ईच अदर। इनका ये घूरना, तभी तो उन्हें जंगल का राजा कहा जाता है। अरे जरा इनके बालों को तो देखो फिजा, जरा चलते चलते पूछ तो लेना कौन सा शैंपू यूज करते हैं। हिप्पोपोटामस। चलो हम खुशकिस्मत हैं कि हिप्पोपोटामस हमें बाहर दिख गए। ये अपनी लाइफ का सारा काम पानी के अंदर करते हैं, बस खाने के लिए ही बाहर आते हैं, इसलिए इन्हें दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है। ये है लालू और लिली। इनका 2 महीने का बेबी भी है। ओह सो क्यूट। हिप्पो ज्यादातर रात को ही ग्रेजिंग के लिए बाहर निकलते हैं। इन्हें ब्लड स्वेटिंग एनिमल भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये धूप में होते हैं तो इन्हें बहुत स्वेटिंग होती है और पूरा शरीर रेड हो जाता है। गौर से देखिए, ये है गौर। ये दिखने में भैंस जैसा लगता है, लेकिन जंगली भैंस है नहीं, ये भारतीय गौर है, जिसे हम इंडियन बाइसन भी कहते हैं। इनके सींग बेहद खतरनाक होते हैं। शरीर काला और पैर सफेद वाले ये गौर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल है। इनकी भी ब्रीडिंग यहां जू में सक्सेसफुली हो रही है। और अब आपको मिलवाते हैं अट्रैक्टिव हिमालयन भालू से। बहुत ही स्वीट है। इन्हें हिमालय की तराई से लाया गया है और देखते देखते इनका एक पूरा परिवार शुरू हो गया। ये बहुत ही नखरीले होते हैं, लेकिन लगता है इनको फोटो खिंचवाने का काफी शौक है। कैसे पोज दे रहे हैं जरा देखिए तो।
इनकी संख्या देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ इनकी भी ब्रीडिंग काफी अच्छी है। यह नजदीक में ही ठीक इनके बगल में है नॉटी और झगड़ालू देसी भालू। दीमक, चींटी और हनी इनका फेवरेट फूड है, लेकिन यहाँ इन्हें फ्रूट्स, दूध और ब्रेड दिया जाता है। ये बेहद शरारती होते हैं। लगता है दिन भर इनका यही काम है, शरारत। आप लगे रहो। अरे अरे रुकिए, वहाँ कोई छुपा हुआ है। ओह, ये तो मगरमच्छ है। ये अपने आसपास के टेम्परेचर के अनुसार अपने बॉडी के तापमान को मेंटेन नहीं कर पाता है, इसलिए इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। मगरमच्छ शांत शिकारी होते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल बालू में ही अपने अंडे देते हैं। ये एंडेंजर्ड हैं। इन्हें हफ्ते में दो बार ही खाना दिया जाता है। बड़ा ही टाइट डाइट प्लान है जी। हम चलते हैं एक शातिर खिलाड़ी घड़ियाल की तरफ। घड़ियाल के दांतों का इंटरलॉकिंग सिस्टम उन्हें मछलियों के शिकार में माहिर बनाता है। इन्हें खाने में जिंदा मछलियां बहुत पसंद हैं, और जब ये खाना खाते हैं तो इनकी आंखों से आंसू भी निकलते हैं। तभी इनके आंसुओं को इंसान के दिखावटी आंसुओं से जोड़ दिया गया है। ये मगरमच्छ की प्रजाति है। इनकी लंबाई 3 से 5 मीटर होता है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इनकी ब्रीडिंग भी यहाँ काफी अच्छी है। अब हम एंटर कर रहे हैं स्नेक हाउस में, जहां आपको 17 प्रजाति के सांप मिलेंगे। इनकी कुल संख्या 59 है। इनमें कुछ विषैले हैं और कुछ विषरहित। देखने में अट्रैक्टिव लेकिन खतरनाक, विषरहित सांप हार्मलेस होते हैं, वहीं विषैले काफी डेंजरस। चलिए अब जल्दी जल्दी कुछ शाकाहारी प्राणियों से भी मिल लेते हैं। ये जानवर झुंड में रहने वाले हैं। नीलगाय यानी ब्लू बुल कहलाते हैं। इनका ये नाम इनके शरीर के ऊपर भूरे रंग पर नीले रंग की वजह से है। ये लार्जेस्ट एंटीलोप हैं। ये है ब्लैक बक। पता है, ब्लैक बक दुनिया के सबसे खूबसूरत एंटीलोप्स हैं। इनके सींग ट्विस्टेड और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अक्सर ये झुंड में पाए जाते हैं। ये 1.5 से 2 साल में वयस्क हो जाते हैं। ब्लैक बक की आयु लगभग 10 से 15 साल तक होती है। और ये है सफेद कृष्ण मृग। वाओ, कितना सुंदर है ये। ये ब्लैक बक का जेनेटिक म्यूटेंट है। मैं तो इनकी ब्यूटी देखकर हैरान ही हो गया। जैसी खूबसूरती सफेद हिरण की है, वैसे ही मन भावन है ये स्पॉटेड डियर, जिस पर ब्राउन रंग के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स होते हैं। इन्हें चीतल कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। ये लंगूर के अच्छे दोस्त होते हैं। हिरण कई तरह के होते हैं, उन्हीं में से एक है सांभर, जो हिरणों की सबसे बड़ी प्रजाति है। मेल सांभर के सींग होते हैं और फीमेल बिना सींग के होती है। ये हर साल सींग शेड करते हैं। एंटेलोप और डियर में मेजर डिफरेंस यही है कि एंटेलोप के सींग शेड नहीं होते और डियर के सींग शेड होते हैं। अरे ये देखिए, चौसिंगा एंटेलोप, ये बड़े ही रेयर होते हैं। शांति बनाए रखिए, क्योंकि लकड़ बग्घा जरा सी आवाज सुनकर भी छिप जाते हैं। भेड़ियों की ये प्रजाति जमीन के अंदर खोल बनाकर रहती है। ये दिन में नजरबंद और शाम या रात में शिकार करने के आदि होते हैं। लकड़बग्घे का जबड़ा लायन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये हाथी की हड्डी तक को भी काट देते हैं। ये जनरली स्कैवेंजर होते हैं, लेकिन कभी कभी शिकार भी करते हैं। ये एंडेंजर्ड स्केड्यूल 3 के एनिमल हैं। होशियार, क्योंकि अब हम सियार के पास आ पहुंचे हैं। जी हाँ, बड़ा ही चालाक प्रवृत्ति का जानवर। ये झुंड के अलावा अकेले भी शिकार करते हैं। इनका लाइफ स्पैन लगभग 9 से 10 वर्ष है। ये हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है, शाहीर। इसके ये कांटे ऑटोमेटिक होते हैं, जो खतरा महसूस होते ही खुल जाते हैं, इसलिए इनका शिकार करना बेहद मुश्किल है। अगर ये कांटा चुभा तो इन्फेक्शन पक्का। यही नहीं, जान भी जा सकती है। इनकी हियरिंग स्मेलिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ये बिल में रहते हैं। ना ना, आप मत आइए जंगली बिल्ली जी।
ये देखने में बहुत प्यारी लेकिन आदत से खूंखार होती है। जंगली बिल्ली को सिर्फ डिनर में ही नहीं हर वक्त चिकन ही खाना पसंद है। मिलिए चीता बिल्ली से, देखने में घरेलू लेकिन काम और शरीर के निशान चीते की तरह। ओहो, घूर तो ऐसे रही है जैसे हम यहाँ रहने आए हैं। चलो भाई आगे चलो। जब देखो तब खटर पटर नाम से जायंट स्क्विरल, पर शरारती और तेज। इनके शरीर में धारियां इनको बेहद खूबसूरत बनाती हैं। इन्हें सारंडा के जंगल से रेस्क्यू करके लाया गया है। ये लंबी दूरी तक ग्लाइडिंग करती हुई एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चली जाती हैं। बचपन से ही एक मस्त मौला जानवर हमें अट्रैक्ट करता है। फिल्मों में भी इनकी दोस्ती के कई किस्से दिखाए गए हैं। आइए मिलते हैं प्यारा सा छोटा हाथी छोटू सम्राट और इनकी मम्मी लक्की रानी से। छोटू सम्राट को ओड़ा हाट के जंगल से रेस्क्यू करके लाया गया है। लक्की रानी और इनके बीच फॉस्टर मदर रिलेशन है। देखिए इतनी केयर करती है ये छोटू सम्राट की। धरती के सबसे बड़े जानवर का जीवन काल 80 साल तक होता है। इतना कुछ हमने देख लिया, बहुत सीरियस बातें भी हो गई। अब चलते हैं वहाँ जहाँ मिलेगा सिर्फ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। नकलची, शैतान, नटखट, हम इन्हें अक्सर इन नामों से बुलाते हैं। ये इंटेलिजेंट प्राणी हमारे पूर्वज हैं। देखिए कैसे इंजॉय कर रहे हैं, सारा दिन बस उछल कूद। आप भी आराम से बैठकर इनकी बदमाशियां देखिए। चलिए अब जरा इनके बॉस से भी मुलाकात कर लें। लंगूर, जोशीले और दबंग टाइप के होते हैं। लंबी पूंछ वाले इन लंगूरों से डरकर बंदर मीलों दूर रहते हैं। इन पंछियों को देखकर जागे हैं ये अरमान कि हम भी अगर पंछी होते तो आसमान छूते। लेकिन इस पक्षी को देखकर आप कहेंगे अरे ये तो उड़ता ही नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ना उड़ने वाला पक्षी है शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच। लेकिन दौड़ने में ये चैंपियन है। इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। संभवतः भारत में ये पहला जू है जहां इसकी लगातार ब्रीडिंग हुई है। ये ईमू है, देखने में ऑस्ट्रिच जैसा और नेचर भी वैसा ही, जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है। ईमू स्विमिंग और रनिंग दोनों में तेज होते हैं। और अब उन पक्षियों पर एक नजर डालते हैं जिनसे हमारा नजदीकी रिश्ता है, जैसे मोर। मनमोहक, तेज तर्रार, जेनेटिक चेंजेस के कारण इनके पंखों में रंग की कमी हो जाती है, यही कारण है कि ये सफेद दिखते हैं। तोता, मीठा बोलने वाले इन तोतों में सीखने की अद्भुत क्षमता होती है। ये है सिल्वर पेजेंट। चमकीले सफेद रंग के कारण इसे सिल्वर पेजेंट कहा जाता है। और इधर देखिए तीतर, सिल्वर और गोल्डन तीतर, ये जमीन की दरार में अपना घोंसला बनाते हैं। उल्लू, नॉन वेजिटेरियन पक्षी, उल्लू से मिलिए। इन्हें रात में ज्यादा दिखता है। उल्लू 360 डिग्री अपनी गर्दन घुमा सकता है और ये आसमान का सबसे ताकतवर और तेज पक्षी है। हम इन्हें बेस्ट फ्लाइंग मशीन भी कह सकते हैं। इसके हमले से कोई शिकार नहीं बच पाता। और अब आपको उन परिंदों से मिलवाते हैं जिनका आपने नाम तो सुना होगा, देखा नहीं होगा। ये है हवासील, बड़ा सा जल पक्षी। बेहद भारी होने के बाद भी इनकी उड़ान बहुत अच्छी है। ये बिना नाक के होते हैं और अपनी चोंच से सांस लेते हैं। इधर देखिए पक्षियों में श्रेष्ठ विविध रंगी हंस, इन्हें सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है। और ये रहा कॉकटेल, ये भी एक पक्षी ही है जो मूलतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये है सुंदर सी प्यारी सी लेडी एमिस्टर। दुनिया भर में हॉर्नबिल की 55 प्रजातियां हैं। ये शिकारी पक्षी हैं जो 2000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। और अब मिलते हैं भगवान विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़। हमारे यहाँ ये लेसर एडजुटेंट है, यानी थोड़े छोटे साइज के। देखा कितना बड़ा दायरा है इनका। 1400 से अधिक वन्य जीव और पक्षियों वाले इस जू में घूमते घूमते अगर आप थक गए हो तो बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। अब फाइनली हम अपने टूर के लास्ट पड़ाव पर हैं। चलिए चलते हैं जू की दूसरी तरफ। ये है रांची एक्वेरियम, यानी मछली घर, इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर एक्वेरियम हाउस। यहाँ रंग बिरंगी 120 तरह की मछलियाँ, उनकी अटखेलियाँ आपकी आंखों में खुशियों की चमक बिखेर देंगी। यहाँ भारत के अलावा बैंकॉक, मलेशिया और सिंगापुर से भी मछलियाँ लाई जाती हैं।
104 हेक्टेयर और घंटों की सैर के साथ हम इस प्यारी सी हरियाली और शुद्ध वातावरण वाली बेजुबानों की दुनिया से सिर्फ मनोरंजन ही नहीं नॉलेज भी ले सकते हैं। भगवान बिरसा जैविक उद्यान देश के टॉप 10 जू की लिस्ट में शामिल है और अब तैयारी है इसे वर्ल्ड क्लास मॉडल पर डेवलप करने की।